आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 76 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने कंसिलिएशन के सभी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जैसे सेक्शन 67 रोल ऑफ कंसिलिएटर, 69 कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज, 65 सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर, 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स और 61, 62, 63 इन सभी सेक्शंस को कवर कर लिया है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप उन सेक्शंस को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। हमने कंसिलिएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बड़े ही डिटेल्ड और इजी वे में समझा है। आज के इस वीडियो में हम कंसिलिएशन के लास्ट सेक्शन विच इज टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स सेक्शन 76 इससे डील करेंगे। राइट, तो एक छोटा सा सेक्शन है और क्योंकि बोर्ड अभी पेंट हुआ है तो ज़्यादा लिखना नहीं है, एक दो दिन लगेगा सूखने में, फिर हम बोर्ड का यूज़ करने लगेंगे। चलिए, सेक्शन 76 विच टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो कहता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स शैल बी टर्मिनेटेड, पॉइंट वन, बाय साइनिंग द सेटलमेंट अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो अगर पार्टीज खुद अपने डिस्प्यूट्स को आपसी सूझबूझ से सेटल कर लेते हैं तो देर इज नो नीड टू स्टार्ट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, या अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स ऑन द वे है, इट इज इन प्रोसेस, और ड्यूरिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अगर पार्टीज अग्री होते हैं टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स म्यूचुअली बाय देमसेल्व्स तो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, बाई अ रिटन डिक्लरेशन ऑफ द कंसिलिएटर आफ्टर कंसल्टेशन विथ पार्टी टू द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट्स एट कंसिलिएशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड ऑन द डेट ऑफ डिक्लरेशन। दूसरा, अगर कंसिलिएटर खुद रिटन में ये कह दे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना अब किसी भी मैनर में जस्टिफिएबल नहीं है, इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कमेंस द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फर्दर, तो वैसे केसेस में भी अब क्योंकि कंसिलिएटर ने रिटन में ये दे दिया है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को अब आगे बढ़ाना किसी भी मैनर में जस्टिफिएबल नहीं है, तो क्योंकि कंसिलिएटर ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है तो इस बेसिस पर भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। पहला क्या है, पार्टीज खुद अपने आप में उस डिस्प्यूट को सेटल कर लें, देन देयर इज नो नीड टू गो फॉर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। दूसरा, कंसिलिएटर रिटन में पार्टीज को ये कह दे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को अब कंटिन्यू करना किसी भी मैनर में जस्टिफिएबल नहीं है, तो एक ये बेसिस है। तीसरा, बाय अ रिटन डिक्लेरेशन बाय द पार्टीज एड्रेस्ड टू द कंसिलिएटर टू द इफेक्ट दैट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर पार्टीज खुद रिटन डिक्लेरेशन देती हैं कि वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करना चाहती हैं तो उस कंडीशन में भी
और लास्ट कहता है by a written declaration of party to the other party and conciliator if appointed to the effect that conciliation proceedings are terminated on the date of declaration. या एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिटन डिक्लेरेशन दे और कंसीलिएटर को भी रिटन डिक्लेरेशन दिया जाए कि पार्टीज चाहती हैं कि कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को, या एक पार्टी चाहती है कि कंसीलिएशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट किया जाए, और उस पार्टी ने दूसरे पार्टी से इस बारे में कम्युनिकेट कर लिया है. तो दीज आर फोर ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स मे बी टर्मिनेटेड. तो ये था सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस कंसीलिएशन से जुड़ा हुआ. जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं सेक्शंस में से आएंगे, और हमने कंसीलिएशन के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लिया है. अब एक टॉपिक और रह जाता है, विच इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट? तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.